एक बज रहा है अभी पौने 12, सॉरी पौने 11, 10:45, बहुत लेट हो चुका है। बट क्या कर सकते हैं, वी हैव टू वेट। अभी हम लोग खड़े हैं अक्षर चौक, एंड अक्षर चौक से हम लोग यहाँ से आप लोग एक तो प्राइवेट व्हीकल कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में ट्रेन निकलता है केवड़िया एक्सप्रेस जो मुंबई से डायरेक्टली आता है। तो इनकेस आप वन डे ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो वडोदरा से लेके डायरेक्टली आपको ट्रेन मिलेगा, या फिर आप मुंबई से भी आ रहे हैं तो मुंबई से डायरेक्ट केवड़िया भी जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से अभी 100 किलोमीटर हम लोग को कवर करना है, तो इट विल हार्डली टेक अराउंड 1 और 1.5 आवर। 1.5 आवर में हम लोग रीच हो जाएंगे। टिल देन सी व्हाट हैपेंस। ये धूप बहुत तेज़ है वडोदरा में, इतना गर्मी है ना। मुंबई में कैसा है कि मुंबई में नॉर्मल चिपचिपापन लगता है, बट मुंबई में इतना ठंड तेज़ रहता है और गर्मी भी उतना ही ठंड तेज रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा बैर करना पड़ेगा हम लोग। वेलकम टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, दिस इज द मेन एंट्रेंस। यहाँ पे मेरा एंट्रेंस है जहाँ से एकता पॉइंट है, पिकअप पॉइंट है, जहाँ की अंदर जा सकते हैं हम। जब भी आप आएंगे तो प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो उनके प्राइवेट व्हीकल्स या फिर उनके गवर्नमेंट जो भी व्हीकल्स है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पर्सनल है, उनसे आपको अंदर आना पड़ेगा। तो अभी आप आओ, हम दिखाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग, स्पेशली मी। You can see काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। तो ये इनकी पर्सनल बस है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बस टूर का नाम है उसका, जो आपको बस पॉइंट पर पिकअप करेगी एंड दे विल टेक यू टू डायरेक्टली टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ से आप सर? कहाँ से आए? राजस्थान से। कुछ बोलोगे? नमस्ते बोल दीजिए। राम राम। सो वी आर एंटरिंग इनटू द बस नाउ। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। सबसे लास्ट सीट में है हम और यहाँ से नज़ारा लूटेंगे। थोड़ा सा विंडोज ऑन कर दीजिए एंड एसी। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे। यूट्यूबर? हाँ, यूट्यूब। कौन सा चैनल है? मास्टर आईडी व्लॉग्स। आप बोल सकते हैं कुछ सब्सक्राइब करने को? नहीं। अरे जी निश्चित आइए, महाराष्ट्र का दिन इतना बड़ा कि आप बिना आइए। काफी अच्छा है घूमने को महाराष्ट्र में। अच्छा है महाराष्ट्र का जो कल्चर है बहुत ही घूमने को भी अच्छा है। मुंबई, मुंबई आप भी आइए महाराष्ट्र। इधर से ही बस चालू करने को बोल रहे हैं महाराष्ट्र में। वहाँ दिख रहा है आपको कुछ? आइए आइए। तो वो है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑल क्रेडिट गोज टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन इंजीनियर्स, और जिस किसी का यहाँ पे छोटे मोटे मजदूर का या फिर जिसका भी हाथ है उसके लिए अ ग्रेट थैंक यू, बिकॉज आप सबकी वजह से हम लोग को ये देखना मिल रहा है। बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज एफर्ट स्टैचू स्टैंडिंग हियर, एंड स्पेशल थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बिकॉज उनकी वजह से आज इंडिया यूनाइटेड है, और एल्स वी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट स्टेट्स। जिस लाइक आप US में जाते हो तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हमारा नाम ऐसा नहीं है। वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल भारतीय। वो क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। वी आर ऑन द क्यू, हम लोग लाइन में खड़े अभी, और इसके बाद पीछे से आप नज़ारा देख सकते हैं। हाँ हाँ, क्या खूब लग रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है, टॉयलेट्स भी काफ़ी क्लीन है। और अगर आप आओगे स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट में, मैं बताना भूल गया, तो लॉकर का सिस्टम अवेलेबल है आपको। लॉकर सिस्टम में आप बैग रख सकते हैं, आपको अवेलेबल है
लेके जाने के लिए सिर्फ आपका कैमरा, आपका ट्राइपॉड और आपके जो भी एसेंशियल थिंग्स है, चार्जिंग ट्राइपॉड जो भी हो गया, और उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। लाइक आप कैश भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे अभी चेकिंग पॉइंट्स है जहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, उसके बाद हम मेन एंट्रेंस की ओर पहुँचेंगे। सिक्योरिटी चेकअप भी बहुत तगड़ा है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और हम लोग मेन एंट्री गेट से अभी अंदर आ चुके हैं। एंड यू कैन सी द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं इंडिया में खड़ा हूँ। इट्स लाइक वेरी फॉरेन सिचुएशन टाइप कंडीशन लग रहा है मेरे को यहाँ पर। एंड दिस इज ब्यूटिफुल रिवर, वाओ। दिस साइड अच्छा लग रहा है, कहीं यूरोप साइड में आ गए हो। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का, वेरी ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड एंड वेरी ब्यूटिफुली मेंटेन्ड। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से आप जब एंटर करोगे उसके आगे तो ऑटोमेटेड सीढ़ी है, सीढ़ी नहीं ऑटोमेटेड फ्लोर है। सीढ़ी तो ऊपर जाने वाली होती है, ऑटोमेटेड फ्लोर है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो मैं खड़ा रह जाऊँ यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक चलेगा, दिख रहा है आपको? सही है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। आओ यार एक बार तो आओ, मिट्टी है गुजरात की, खुशबू है गुजरात की। माफ करना टैगलाइन नहीं आ रहा मेरे को। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। सनी बॉस इन द हाउस, इनकी वजह से ये प्लान सफल हो चुका है। ऑल थैंक्स टू सनी बॉस, सनी भाई, ये हमारे सनी भाई है, बड़े भाई। तो उनको थैंक यू बोल दो जो भी देख रहे हैं वीडियो, इनकी वजह से हम लोग आ पा रहे हैं। और इनका इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर देना, विवेक चौहान। वो बोल रहे हैं मेरे को फॉलोअर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को व्लॉग में लेना आप। अभी कोविड रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हट गया है, इसके लिए हम लोग मास्क नहीं पहन रहे, और एल्स यू हैव टू फॉलो द सैनिटी एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। बट हम लोग का फॉर्चून अच्छा है कि यहाँ पे मास्क अवेलेबिलिटी के लिए मना किया, लाइक आपके ऊपर है, अगर आप पहनना है तो पहन सकते हैं, नहीं पहनना है तो नहीं पहन सकते। क्वाइट गुड थिंग, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसी जगह किधर आया हूँ जहाँ पे मास्क नहीं पहनना पड़ रहा है। यू विल सी अ वेरी क्लोज व्यू टू द स्टैचू, इतना ह्यूज स्टैचू, माय गॉड। वाओ, जहाँ से हम लोग आ गए वहाँ से नज़ारा देखिए ये वाला, जो आप वीडियो ब्लॉग्स में देखते हो ना वहीं पे मैं खड़ा हूँ। मेन एंटर कर चुके हैं हम लोग अंदर बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक म्यूजियम बनाया गया है, और काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन है, वेल डेवलप बोल सकते हैं इसको। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं इंडिया के कोई स्पॉट पर, कितना फर्निश किया गया है, इतना उसको प्रॉपरली मेंटेन रखा है। तो नाउ आई विल शो यू द इंफॉर्मेशन, जो 6 नंबर पे आता है ब्राज़ील का नाइस रेटी। ये है इसका हाइट है 38 मीटर, और ईयर में बना था 1931 में। और नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका रशिया का, रशिया द मदर लैंड कॉल। और रशिया के बाद आता है द न्यूयॉर्क स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप देख सकते हैं हाइट है इसके 93 मीटर्स। एंड उसके बाद आता है जापान का फुशिकू नेबुशिटू। उसके बाद आता है चाइना का द स्प्रिंग बुद्धा, और स्प्रिंग बुद्धा के बाद में आएगा द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी ये आगे हम लोग जा रहे हैं जो इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म में कैसा है कि अंदर एक थिएटर है लेफ्ट हैंड साइड में, आप जो एंटर करोगे, और इसकी सीट सामने अगर आप स्ट्रेट आओगे तो अंदर आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखने को मिलता है। सी ऐसे कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे, आप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया गया। We are finally on the chest view of Shri Shri Sardar Vallabh Bhai Patel ji. और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग
the standing on the world's tallest statue. और यहाँ से सीधा हमको दिखता है सरदार सरोवर डैम. Wow, amazing. अभी वो इन्फॉर्मेशन देंगे, काफी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है. आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लग रहा है. बहुत ही सुंदर लगा. Yes. जैसे आप यहाँ ये 135 मीटर की ऊंचाई पे आए हैं और ये जो ऊंचाई है बिल्डिंग की अगर बात करें तो बिल्डिंग 45 की जो मंजिल होती है इतनी ऊंचाई पे आप आए यहाँ पे आते हैं और उससे 15 मंजिल तो ऊपर है लेकिन वो एक शेप से बनाया हुआ है, एक आकार लिया है, एक मॉडल बना ऊपर से. और जो हम विजिट करते हैं ये पूरा टेस्ट का लेवल है. यहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ से दूर का नज़ारा देख सकते हैं आप. जैसे आप देखोगे बारीकी से तो आपको डैम का नजर आएगा. तो यहाँ से डैम का आपको तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस. 3 किलोमीटर. हाँ, तो यहाँ के मौसम के हिसाब से ये बेस्ट जगह चॉइस किया गया है. 100 साल का जो यहाँ पे उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है, ये एक आइलैंड था साधु बेट करके, उस जगह पर पानी नहीं आया इसीलिए ये बेस्ट जगह चॉइस किया गया है. बहुत सारे रीजन है, 4-5 जगह पर ये शहरों में भी किया लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ इसीलिए ये यहाँ पे चॉइस किया गया है. आप कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे सतपुड़ा है और यहाँ पे विंध्याचल है, बीच में मानर बटन है. एलएनटी कंपनी ने ये स्टैचू का जो निर्माण किया है ये 3.5 साल में बनाया, यानी कि 45 मंथ. जैसे आप यहाँ पे जाली का देखते हैं ना, ये पोस्टर है. हाँ, ये लेड टीन जिंक एंड कॉपर से बनाया हुआ है और जाली का यहाँ से इंटरनल और बाहर आउट टू इन का ये आना जाना एयर रहता है. यहाँ पे थोड़ा आपको हॉट लगेगा. हाँ. है ना, क्यों हॉट लगेगा? है ना, क्योंकि हम ऊंचाई पे है और डायरेक्ट ही अल्ट्रा वायलेट का जो है यहाँ जो कि वो किरण है वो यहाँ पे आते हैं, इसलिए पूरा यहाँ पे कवर करके रखा है. आप अंदर जाओगे तो आपको अंदर थोड़ा अच्छा लगेगा. तो आप अगर जब नीचे जाओगे ना तो आपको ये बटन देखना है. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऊपर है, 3 मीटर का बटन है. वो आप नीचे जाके जब देखेंगे ना तो ये सेकंड नंबर का बटन देखना है कि हम कौन सी जगह पे थे. सेकंड नंबर. हाँ, वो बाहर से आपको सेकंड नंबर बटन का नजर आएगा. और उसके बाद जैसे नीचे जाओगे ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से एक्सेलेटर से जाना है, उनके पैरों पे जाना है और पैरों पे जाओगे तो वहाँ से आपको फील करना है कि हम कौन सी जगह पे थे. और ऊंचाई से देखेंगे तो आपको चेहरा भी नहीं दिख. काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि किस तरह से ये स्टैचू बना है और कितने साल लगे, 3.5 साल लगे एलएनटी कंपनी ने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया. ऑल स्पेशल थैंक्स टू एलएनटी कंपनी ऑल्सो, जिनके इंजीनियर्स ने ये प्रोवाइड किया है स्टैचू. This is incredible India.